तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं डेट एंड टाइम की फॉर्मूला। डेट एंड टाइम की जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले के बारे में हम बात करेंगे आपके साथ। जैसे किसी एक्सेल पे आप डेट कैसे लिखोगे, डेट टाइप कैसे करोगे। आप बोलेंगे क्या दिक्कत है, मैं लिखूंगा यहाँ पे टाइप कर। लेकिन डेट टाइप करने का एक पैटर्न होता है DDMM, MMDD, वो डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर की सेटिंग के ऊपर कि आपके कंप्यूटर के अंदर में किस तरह के डेट का सेटिंग है। जैसे मेरे कंप्यूटर में जो डेट का सेटिंग है वो ये है DDMMYY, मतलब पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर। तो मैं यहाँ डेट डालने के लिए पहले यहाँ पे आज की डेट डालना है तो मुझे 1/12 डालना होगा। आप लोगों की जो मोस्टली सिस्टम होती है, क्योंकि मेरा जो सिस्टम है इंडियन फॉर्मेट पे है, लेकिन मोस्टली सिस्टम इंस्टॉल करते हैं समय लोग US सेलेक्ट करते हैं, हम थोड़ा ज्यादा देशभक्त है इसलिए सर इंडिया सेलेक्ट करते हैं। तो इंडिया मतलब कि वहां अगर US फॉर्मेट आपने सेलेक्ट कर लिया है तो आपको डेट टाइप करने के लिए 12/1 लिखना होगा। ओके, सिस्टम आपका जो डेट डाल रहे हैं वो करेंट ईयर का डेट है, तो ईयर डालने की जरूरत नहीं है। अगर प्रीवियस ईयर या फ्यूचर ईयर्स हैं तो आपको डेट डालने ईयर डालने पड़ेगा। ओके, उसके बाद डेट का डिफॉल्ट फॉर्मेट आता है, तो मैंने आपको डेट फॉर्मेटिंग में बताया ही हूँ कि अपने हिसाब से फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। जो फॉर्मेटिंग चाहिए वो फॉर्मेटिंग जिस कंट्री का चाहिए उस कंट्री का फॉर्मेटिंग आप चेंज कर सकते हैं, या आप कंट्रोल शिफ्ट हैश प्रेस कर दे तो एक डिफॉल्ट फॉर्मेट आ जाएगा। अब यहीं पे एक प्रॉब्लम होती है कि मेरा जिस सिस्टम में जो डेट है वो DDMMYY है, बट आपके सिस्टम में होगा MMDDYY। मतलब कि अगर फाइल आपको मेल करूं तो ये डेट आपको दिखेगा 12 जनवरी, क्योंकि मेरा जो डेट है आपके यहां मंथ बन जाएगा और मेरा जो मंथ है आपके यहां डेट बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। बट ये तो गलत हो गया ना सर। हाँ, तो सिस्टम की फॉर्मेट के ऊपर होता है ना, आपका सिस्टम का फॉर्मेट अगर एक फॉर्मेट है तो ठीक है, अलग अलग फॉर्मेट होगा तो दिक्कत होगा ना सर। बट ऑटोमेटिक चेंज होना चाहिए ना, फाइल तो कोई भी कहीं से भेज तो सकता है ना। एक सेटिंग नहीं ना है, ये आपका कंप्यूटर का सेटिंग है, तो कंप्यूटर का सेटिंग के साथ छेड़छाड़ कैसे कर सकता है इसे? नहीं, कंप्यूटर में डेट तो जैसे आज का जो आज ही दिखा रहा है 1 दिसंबर। मैंने आपको ही बोला ना सर कि ये जो चीज है डिपेंडेंट है आपके सिस्टम के रेट से, ठीक है ना। करेक्ट करेक्ट, आज के सिस्टम के डेट पे डिपेंडेंट है। तो तो आपने इंटर किया 1 दिसंबर 21। मान लीजिए ना 1 दिसंबर इंटर है तो इसमें डाला हुआ क्या है, हमने क्या डाला था, हमने डाला था 1/12 डाला था। अब ये क्या होगा कि मेरे पास डाला हुआ तो सेम रहेगा, ऐसा नहीं कि चेंज हो जाएगा, लेकिन आपका सिस्टम इसको कन्वर्ट कर देगा, आपका कंप्यूटर इसको कन्वर्ट कर देगा। वो समझ लेगा कि एक डेट है और 12 जो है मंथ है, 12 डेट है एक मंथ है। ये प्रॉब्लम सर यूनिवर्सली है, इसका सलूशन ये है कि आप अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी को आप डेट भेज रहे हो और उसके यहाँ प्रॉब्लम है तो आप एक काम कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो कि फॉर्म आप डेट को डेट फॉर्मूले से भेज दीजिए। जी हाँ, डेट फॉर्मूले लोग यही करते हैं, डेट। अब डेट फॉर्मूले में ईयर मंथ और डे अलग अलग डालते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे वेबसाइट में जो कि डेट को अलग अलग लेते हैं, ईयर अलग लेते हैं, मंथ अलग लेते हैं, डे अलग लेते हैं, इसी प्रॉब्लम से। ठीक है, अब जो ए आपको दिख रहा है डेट, किसी भी सिस्टम के किसी भी फॉर्मेट में जाएगा तो डेट जैसा है वैसा ही रहेगा, सेम डेट रहेगा, चेंज नहीं होगा। और मुझे मान लीजिए इसमें से मुझे मान लीजिए ये तो हमने कर लिया, लेकिन हमने देखा कि हमने यहाँ पे ईयर
मंथ और डे अलग अलग हमने स्टैक किया, तो इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे डे फॉर्म डेट फॉर्मूला से इसमें से डेट अलग कर सकते हैं, तो माफ कीजिएगा ईयर फॉर्मूला से, वो सब क्या हो गया, और मंथ फॉर्मूला से इसमें मंथ को अलग कर सकते हैं और डे फॉर्मूला से इसमें से डे को अलग कर सकते हैं, फिर वापस डेट फॉर्मूला से तीनों को कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसका यूज कैलकुलेशन वगैरह करते हैं जो कि थोड़ी देर में आपको बता रहा हूं। अगर मान लीजिए कि मैंने आज का डेट डाला और मुझे आज के डेट में अगर हमको 20 ऐड करना है, 20 इट मींस डेज, मुझे 20 डेज ऐड करना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसमें प्लस शिफ्ट कर देना है। ऐसा क्यों? हम कस्टम फॉर्मेटिंग आपको पढ़ाए थे, इसका कारण बताए थे कि ये जो डेट है एक्चुअली नंबर में होते हैं, ठीक है, और प्लस होके यहां भी नंबर शो किया, लेकिन जब डेट का फॉर्मेट चलता है तो इस नंबर को एक डेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अगर मान लीजिए सेम काम करना है लेकिन मुझे इसमें मंथ ऐड करना है, मैं चाहता हूं इसमें 3 महीना ऐड हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि आप 3 यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई बाई 3 90 और 90 दिन ऐड कर दो, ये गलत होगा क्योंकि महीना फरवरी मार्च अप्रैल होगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो क्योंकि तीसरा महीना 31 महीना 28 महीना 29 महीना होता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस केस में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ई डेट का, ई डेट में हमने स्टार्ट डेट और मंथ को सिलेक्ट कर लिया, तो आपके सामने नंबर में आएगा, इसको कंट्रोल शिफ्ट हैश करके डेट में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये आपका ई डेट लगाने से क्या हुआ कि मंथ में सिर्फ इंक्रीजमेंट हुई, आपका डेट फिक्स रहा, आपने एक लिखा है तो यहां भी एक आएगा, अगर यहाँ पे मान लीजिए आपने 10 लिख दिया तो 10 ही आएगा, सिर्फ मंथ चेंज हो, राइट। अगर मंथ घटाने हैं तो -3 कर दीजिए, तो माइनस में अगर रखते हैं तो आपका डिक्रीजमेंट हो जाएगा, प्लस में रखते हैं तो इंक्रीजमेंट होगा। फॉर्मूला फिर से दिखाइए सर, D8 वाला मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है ना, माइनस प्लस इक्वल टू माइनस, हाँ पीछे चला जाएगा माइनस में, लेकिन ये सिर्फ एप्लीकेबल है मंथ के लिए। जी हाँ, मंथ ऐड करने डे डे ऐड करना होता तो डे तो डायरेक्टली ऐड कर देते हैं ना, प्लस कर देते हैं। अच्छा, ईयर के लिए भी सेपरेट है कि यही? नहीं, ईयर अगर करना है तो तीन तो आपको मल्टीप्लाई करके मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, दो साल जोड़ने हैं तो यहाँ पे 2 × 12 कर दीजिए और जोड़ दीजिए 24 साल, करेक्ट। लेकिन मुझे आज के डेट में 2 साल 8 महीने और 27 दिन जोड़ने हैं आज के डेट, आज के डेट जो भी डेट हो यहाँ पे, मान लीजिए आज के डेट कोई भी डेट डाल दीजिए, 24 मुझे 2 साल 8 महीने 27 दिन ऐड करने, अगर 2 साल महीने ऐड करना होता तो हम इजीली इन दोनों को इसको मल्टीप्लाई करते 12 से इसको प्लस करके आप जोड़ देते। सही बात। अब यहाँ पे दिन भी आ गया, अब दिन को कैसे करें, तो उस केस में हम इस वाले मेथड जो ऊपर दिखा है इसको अपनाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला डेट का, ध्यान से देखिएगा, डेट के फॉर्मूले में हम ईयर का फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें ईयर एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसमें 2021 एक्सट्रैक्ट हुआ, इसमें 2 साल जोड़ देते हैं, फिर हम मंथ का फॉर्मूला लगाएं और इसमें से मंथ को अलग किए और इसमें 8 महीने जोड़ देते हैं, फिर मैं डे का फॉर्मूला लगाया, इसमें से डे अलग किया और इसमें 27 दिन ऐड कर दिया,
रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा एग्जैक्ट। अब समझना है कि आखिर हुआ कैसे, तो फॉर्मूला मेनू बार के एवलेट फॉर्मूला पे आते हैं और यहाँ एक वन बाय वन देखते हैं क्या किया। सबसे पहले ईयर फॉर्मूला चला, दिख रहा आपको ईयर ने क्या किया, डेट में से ईयर अलग अलग कर दिया, तो 2023 मिल गया इसको। फिर मंथ ने क्या किया, मंथ अलग किया जो कि 12 महीने है, तो 12 और 8 कितने होते हैं, 20 होते हैं। फिर डे निकला एक और 28 होते हैं। तो अब यहाँ पे 30 महीना है ना, 20 महीना है, लेकिन 20 महीना है होते नहीं डेट में, तो इसके अंदर सेटिंग है कि अगर महीना 12 से ज्यादा डालोगे तो 12 के बाद वो एक एक ऑटोमेटिक घिंच के ईयर में डाल देगा और जो बचेगा उतना डाल देगा, समझे। इसने क्या किया, 12 में 20 में से 12 महीने इक्वल टू वन ईयर जोड़ दिया, किसमें, 2023 में, 2024 और बाकी कितना बचा, 8 महीने। तो 8 महीने आपके सामने आ गए, अगस्त और 28 दिन, ठीक है। तो इस तरह की कैलकुलेशन समझ गया सर, समझ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने डेट को, डेट में कोई भी पर्टिकुलर इंटरवल को ऐड करना हमने सीख लिया, राइट। अब दो डेट के बीच का डिफरेंस पता कर लेते हैं। जैसे कि आज का मैं एक तारीख का डेट और आज का डेट डालना चाहता हूं, इन दोनों के बीच में मुझे चाहिए कि कितने नंबर ऑफ डेज हुए। उसके लिए इसको लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट कर दीजिए, आ जाएगा 334 दिन। या फिर आप डेज का फॉर्मूला लगा दीजिए, डेज का फॉर्मूला यहाँ पे एंड डेट, माफ कीजिए स्टार्ट डेट नहीं है, एंड डेट कॉमा स्टार्ट डेट। आ गया सर। सर फिर से एक बार रिपीट करेंगे सर, सिंपल सा है, एंड डेट माइनस स्टार्ट डेट या फिर डेज के अंदर एंड डेट कॉमा स्टार्ट डेट, दोनों में लिखना एक ही तरीके से। जी जी, ओल्ड एज माइनस करंट डेट ना सर। जी जी। उसके बाद अगर एक और आता है डेज 360, ठीक है, आप यहाँ डेज 360 का फॉर्मूला लगाते हैं, इसमें आपको स्टार्ट और एंड डालना है। यहाँ पे नीचे देखिए आपका सेंटेक्स को फॉलो कर लीजिएगा, तो ये आपको देता है। तो आप बोले चार दिन कम को दिखा रहा है, इस बात का जवाब इसके फॉर्मूले से, डेज 360 उस साल को 365 नहीं 360 दिन समझता है, समझे। रिजल्ट तो फिर इनकरेक्ट है सर। इनकरेक्ट नहीं है ना सर, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 360 दिन का होता है ना। ओके, जो आपको इंटरेस्ट वगैरह मिलते हैं या फिर जो इंटरेस्ट वगैरह लिया जाता है, आई थिंक हमने पढ़ा था हमारे इसमें फाइनेंशियल चैप्टर में, जब मैं ट्वेल्थ कर रहा था इसी बताया गया था, आपको याद है कि देश मैंने फाइनेंशियल ईयर 360 दिन का होता है, 5 दिन जो है वो लेजर मेंटेनेंस, क्योंकि अब कंप्यूटराइज हो गया है, पहले तो सारा चीज मैनुअल हुआ करता था ना सर, तो 5 दिन का टाइम पूरी लेजर वगैरह को मेंटेन करने के लिए रखा गया था। ओके ठीक है सर, इसी में जो डेटेड इफ लगाते हैं वो क्या है सर, वो भी तो डिफरेंस लाता है ना। मैं बता रहा हूँ, वन बाय वन बता रहा हूँ सर। अब इसमें मुझे नंबर ऑफ डेज तो चाहिए, लेकिन नेटवर्क डेज चाहिए, मतलब कि मेरे पास छुट्टियां हुई है कि 1 जनवरी को छुट्टी थी, 26 जनवरी यहाँ पे 26 जनवरी को छुट्टी थी, 17 मार्च को छुट्टी थी, 15 अगस्त को छुट्टी थी, आपका 4 सितंबर को छुट्टी था, तब ऐसे बहुत सारी छुट्टियां थी। जी जी। इसके अलावा सैटरडे संडे भी हमारी ऑफ रहता है। जी। तो मुझे एग्जैक्ट डेट चाहिए कि कितना दिन मेरा ऑफिस खुला। जी। इसके लिए हम लगाते हैं नेटवर्क डेज का फॉर्मूला, स्टार्ट डेट, एंड डेट और अपना होली डे। अब होली डे जरूरी नहीं है कि इन दो डेट का बीच का होना चाहिए,
अब पूरी की पूरी लिस्ट सेलेक्ट कर लीजिए, जो इनके बीच में होगा उसको इग्नोर कर देगा, सैटरडे एंड संडे को इग्नोर कर देगा और आपका डेट बता देगा 336 दिन। अच्छा सर, सैटरडे संडे ऑलरेडी अपने आप इग्नोर करेगा वो? जी सैटरडे संडे ऑलरेडी इग्नोर करेगा, और इसके अलावा जो डेट आपने डाला है, जो डेट इन दोनों डेट पीरियड के बीच में है, उस डेट को इग्नोर करेगा। समझे? जी जी। ये ऑटोमेटिक कैसे इग्नोर करेगा, वो भी तो फॉर्मूला के पार्ट है वो, है ना? फॉर्मूले के अंदर है, यहाँ पे देखिए ना, रिटर्न द नंबर ऑफ होल वर्क डे बिटवीन टू डेट्स। नहीं, वो तो समझ में आ गया, ये सारे डेट सिलेक्ट करें, लेकिन दो दिन जो वीकेंड होता है वो भी माइनस कर दिया, करता है ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिक आप चाहते कि नहीं, मेरी कंपनी मंडे टू फ्राइडे नहीं चलती है, सैटरडे टू थर्सडे चलती है, या फिर सिर्फ संडे छुट्टी होता है, मंडे टू फ्राइडे नहीं सैटरडे चलती है, तो उसके लिए फॉर्मूला है networkdays.intl, देखिए इंटरनेशनल, ठीक है? ओके। इसमें आप स्टार्ट डेट सेलेक्ट करें, एंड डेट सेलेक्ट करें, और अपना वीकेंड सेलेक्ट करें कि आपका वीकेंड कौन सा है, सैटरडे संडे है, संडे मंडे है, मंडे ट्यूजडे, या फ्राइडे थर्सडे फ्राइडे, या फ्राइडे सैटरडे, से गल्फ में फ्राइडे सैटरडे होती है, ये ज्यादा बेटर है। संडे ओनली होती है आपको, मान लीजिए ये नया फॉर्मूला है, ये आपको 2013 से आया है, तो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा बस। हमने संडे को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद अपना हॉलीडे लिस्ट की संडे के अलावा छुट्टी कब तक, मान लीजिए संडे को भी छुट्टी हुआ, अगर आप ये संडे का भी डेट डाला हुआ है तो एक ही इग्नोर करेगा, दो इग्नोर नहीं करेगा, समझे? सर एक सवाल है यहीं पे सर, बोलिए। सपोज दैट सर मेरे पास ओल्डेस्ट डेट है और अपना लेटेस्ट डेट है, और मेरे पास छुट्टी का नहीं है, और मैं डिफरेंस निकाल रहा हूँ, और ये नेटवर्क डेज वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो भी वो संडे सैटरडे वहां से हटा के ही बताएगा ना सर? संडे सैटरडे हटा के ही बताएगा, हाँ, वो ऑटोमेटिकली है। ठीक है सर, ठीक। अगर आपके पास होलीडे लिस्ट नहीं है, मतलब होलीडे लिस्ट नहीं है, तो आप देख सकते हैं होलीडे लिस्ट क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट में, इसका मतलब समझे? जी क्या है मतलब इसका? ये ऑप्शनल है, नॉट रिक्वायर्ड। फॉर्मूला का दो टाइप बताया था ना आपको, जी, ऑप्शनल एंड रिक्वायर्ड, ठीक है? अच्छा, ये जो हॉलीडेज का अंडर ब्रैकेट में है, अगर वो फॉर्मेट भी सेम होना चाहिए, जो कॉलम बी का फॉर्मेट है, डेट सब डेट तो सारे एक ही फॉर्मेट में होना चाहिए ना, मतलब फॉर्मेट मतलब डेट का पैटर्न, फॉर्मेट तो अपने हिसाब से जो रखना चाहे रख ले, कोई दिक्कत क्या है? मान लीजिए मैंने इसको सेलेक्ट किया और हमने इस तरह का फॉर्मेट ले लिया, ये फॉर्मेटिंग से फर्क पड़ता है। हाँ, इसका लिखने का पैटर्न, जो ये डेट पैटर्न होता है, उसकी बात कर रहा हूँ। अब ठीक, क्लियर। उसके बाद मान लीजिए, अगर डेट उसे हमने कर लिया, अब मान लीजिए कि आज मैंने एक बैंक को रिक्वेस्ट दिया था, बैंक को हमने बोला कि मुझे 100 करोड़ का लोन कर दो, मान लीजिए, अब मानना है सर एक दो 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 तीन लाख क्या माने, 100-200 करोड़ मानते हैं। मान लीजिए कि बैंक को आपने 100 करोड़ लोन करने का रिक्वेस्ट किया, बैंक ने बोला कि 100 करोड़ की बात है, कम से कम 15 दिन का टाइम लगेगा, 15 दिन मतलब कि 15 वर्किंग डे, तो आप क्या करेंगे? आप बड़ी सी ट्रक और बड़ी सी गोनी लेके कब जाएंगे पैसा लाने के लिए, कौन से डेट में, वो डेट निकालना है, मतलब कि 15 वर्किंग डे बाद कौन सा दिन आए। तो उसके लिए आपके पास दो फॉर्मूले हैं, वर्क डे, आप स्टार्ट डेट, नंबर ऑफ डेज एंड होलीडे, सैटरडे संडे के अलावा, इसमें भी ऑटोमेटिकली सैटरडे संडे को इग्नोर करके वो बताएगा कि आफ्टर 15 डेज 22 दिसंबर पड़ेगा। ये सब लगता है कि एचआर वगैरह को यूज करता हूं। हाँ, करते हैं, और कैलकुलेशन होती है ना, ड्यू डेट वगैरह निकालने पे होता है। बैंक में या फिर ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? लेकिन आपकी आपका बैंक कहता है संडे संडे होता हूँ, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, workday.intl फॉर्मूला का इस्तेमाल करें, workday.intl, स्टार्ट डेट, नंबर ऑफ डेज और वीकेंड्स की, चलो भाई हम वीकेंड देख लेते हैं, संडे को हमने सेलेक्ट किया, एंड यहाँ पे अपना होलीडे सेलेक्ट कर लिया,
एंड रिप्लेस कर दिया। मतलब तो आप 18 तारीख को जाओगे या 22 तारीख को जाओगे, बड़ी सी ट्रक और दो चार दस चीनी वाले बड़ा बोरा लेके? 18 दिसंबर को जाएंगे। 18 दिसंबर को जाएंगे, हाँ बात तो सही है, 3 दिन वेट क्यों करें? क्योंकि संडे एक ही दिन लिया ना उसमें, इसलिए। ओके तो आप ये समझ जाए कि डेट में कोई पीरियड कैसे ऐड करेंगे, दो डेट के बीच में से हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल से हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे। अब बात करते हैं किसी का कम एज निकालना। राजेश जी आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? आज का ही है सर, हैप्पी बर्थडे बोलिए सर पहले। हैप्पी बर्थडे राजेश जी। हैप्पी बर्थडे तो बाद में बोलेंगे, पहले हम आपका एज निकालेंगे, उसके बाद बोलेंगे, पता चलेगा कितना साल के हुए। बिल्कुल सर। ईयर तो बताइए, ईयर कौन सा है? 1987 सर। 1987। चलिए, मतलब कि हम आपसे 3 महीना ही बड़े हैं। ग्रेट सर, फिर आपने बहुत कुछ अचीव किया सर। अब आज की डेट यहाँ कर लेते हैं। अब अजय जी का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे करने से पहले मैं उनका एग्जैक्ट ईयर मैं ये जानना चाहूंगा, डे। मतलब सही बात है, सही निकला था, विश करना इनको अभी। साल कितने दिन और कितने महीने, ठीक है? अगर वीवीए यूज करूं तो कितने आवर, कितने मिनट, कितने सेकंड के भी। तो फिलहाल इसको हम छोड़ देते हैं, इतना डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि वीवीए में जाएंगे उतना डिटेल में, फिर तो बर्थडे आएगा ही आपका। तो यहाँ कैसे निकाले? तो बहुत सारे लोग, ऐसे बताया था आपको ना, जब मैंने इसका हमने बताया था, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसमें दोनों को माइनस कर देते हैं, तो 12,449 दिन के हो गए आप, फिर इसको मल्टीप्ल डिवाइड 30 से या 12 से करते हैं, तो इनको छोड़ते हैं, ठीक है? हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, डेट आई एफ, डेटेड इफ नहीं बोलते उसको, डेट डी आई एफ, डेट डिफरेंस। हम भी शुरुआत इसको डेटेड इफ बोला करते थे। डेट डी आई एफ फॉर्मूला होता है, इसमें आपको देना होता है। अब देखिए, डेट डी आई एफ फॉर्मूला लिस्ट में नहीं आया, नहीं आया ना सर, लिस्ट में नहीं आया, नहीं आया, क्योंकि वो एडिंग फॉर्मूला है, लिस्ट में नहीं आएगा जी। तो स्टार्ट डेट, डेट ऑफ बर्थ, करेंट डेट, और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, ईयर चाहिए। तो इसके अंदर हमने वाई लिख दिया, तो यहाँ ईयर निकाल के अलग कर देगा। सेम फॉर्मूला हमें लगाना है, डेट डी आई एफ और स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, और अब यहाँ पे मैंने मंथ निकाला तो एम कर दूं, तो एम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 408 महीने, ठीक है? क्योंकि मुझे 408 महीना में नहीं चाहिए, मुझे 34 साल के बाद कितना दिन है वो चाहिए, वो चाहिए। वाई एम करें जी, 0 महीना जी। और सेम हम करेंगे डेट डी आई एफ, स्टार्ट डेट, एंड डेट। अब यहाँ मुझे मंथ के बाद एमडी, वाई एम डी नहीं, एमडी, एमडी, एमडी। अब मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ अगस्त का हुआ, अगस्त का, तो क्या होगा? और उसका 1 अगस्त नहीं, मान लीजिए 24 अगस्त का है, तो उसकी होगा 34 साल 3 महीने 7 दिन, ठीक है? 34 साल 3 महीने 7 दिन। तो राजेश जी हुए 34 साल 0 महीने 0 दिन का, मतलब कि वो 12,410 दिन के हो चुके हैं, 408 महीने के हो चुके हैं और 34 साल के हो चुके हैं। राजेश जी, मेरे काम, मेरे हिसाब, मेरे तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं चाहूंगा कि जो आपका दिन है ना, ये भगवान आपका एक छोटा सा गलती करे और इसको ईयर में कन्वर्ट कर दे। बस सर, साथ में आशीर्वाद भी चाहिए ज्ञान का भी सर। क्या राजा जी, राकेश जी, बिल्कुल कामना करेंगे कि भगवान के अंदर का जो एक्सेल है, उनकी जो सेटिंग है, वो डे के जगह पे ईयर आ जाए, मतलब यहाँ जो डी लिखे हुए हैं गलती से वाई हो जाए, और यहाँ वाई लिखे हुए हैं, तो गलती से क्या हो कि नीचे डी था वो कंट्रोल डी हो जाए, ताकि वाई बन जाए इनका, और ये हो जाए, इनकी एज हो जाए 12,449 साल। लेकिन बहुत लंबा टाइम हो जाएगा सर, इतना क्या करेंगे, इतना साल क्या करेंगे, बोर। अरे इतना इतना कहे जिलाएंगे,
बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। 12,449 साल तक एक्सेल, आप एक्सेल पे काम करेंगे तो हम दूसरी तीसरी जन्म में आपसे आके एक्सेल सीखेंगे। बताइए 12,449 दिन के कितने एक्सेल हुए? चलिए, तो डेटेड फॉर्मूला समझ में आ गया। अब कुछ कन्वर्टेड फॉर्मूले, कभी कभी क्या होता है कि डेट को कुछ लोग टेक्स्ट में लिख देते हैं या फिर कहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं, टेक्स्ट में हो जाते हैं, तो उसके लिए आप डेट वैल्यू का फॉर्मूला लगाइए तो डेट वैल्यू उसको डेट में कन्वर्ट कर देता है, राइट? जी। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे डेट दिए हुए, मुझे इसका वीक पता करना है, इसका वीक डे पता करना है, मतलब इस एक महीने का कौन सा वीक है, महीने का मत कीजिए, मैंने वीक का कौन सा दिन है, संडे मंडे के वगैरह जगह जगह पे, जैसे आज ही का डालता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे दो चीजें, एक टेक्स्ट का फॉर्मूला अगर लगाते हैं इसके अंदर डी 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 करते हैं तो आपका डे आ जाएगा, डे आ जाएगा, चार बार कर देंगे तो कंप्लीट सैटरडे सैटरडे संडे करके आ जाएगा टोटल। मुझे ये नंबरिंग में चाहिए कि भाई ये चौथा दिन है, ये तीसरा दिन है, इस तरह से। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है वीक डे का, वीक वीक डे क्या करता है, आपको बताता है कौन सा वीक है, राइट? लेकिन मुझे साल का वीक पता करना है, आपके यहाँ पे वीक नाम होता है, वीक नाम साल के वीक को यहाँ बताते हैं कि साल का कितना वीक हुआ, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा, ठीक है? लेकिन महीने का वीक नहीं, साल का वीक। हम लोग कभी कभी क्या होता है, वीकली रिपोर्ट बनाते हैं, मैंने पूरे साल के रिपोर्ट बनाया था, आप अपना वीक सिलेक्ट कीजिए और आपको रिपोर्ट मिल जाएगा, मंथ के हिसाब से नहीं था, वीक के हिसाब से था, तो वहां पे हमने ये फॉर्मूला यूज किया था ताकि ड्रॉप डाउन में वीक्स के नंबर आ जाए। सर लाइक सर मुझे ये निकालना हो, शायद यहीं से निकलेगा कि जो डेट पड़ी है मेरे पास, ये ईयर का कौन सा डे चल रहा है, कैसे पता लगेगा सर? ईयर का कौन सा, लाइक 1 दिसंबर है, हाँ जैसे 1 दिसंबर है, तो ये साल का कौन सा दिन चल रहा है, लाइक 365 जैसे होता है ना, तो कौन सा दिन चल रहा है सर? कौन सी बड़ी बात है, आपको आपके पास डे है, आपने यहाँ पे लिखा हुआ है 44,000, आप यहाँ पे 1 जनवरी का डेट डाल दीजिए, ये आ जाएगा, दोनों में माइनस कर दीजिए, 34वां दिन चल रहा है। ओके, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है सर कि डायरेक्ट डेट से लगाओ निकल जाए, करंट से माइनस ही करना पड़ेगा, एक साथ लगा दीजिए ना, क्या एक साथ लगा दीजिए इसमें, अच्छा कंडीशन के साथ लगाएं सर, कंडीशन के साथ क्या लगाएंगे आप, ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दें, डेट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डेट का फॉर्मूला आपने लगा दिया 2021.1, ठीक है ना, लिख दिए जी जी, और से कर दीजिए टुडे माइनस, आ गया, ओके ये चाहिए सर, राइट? तो डेट पे प्रैक्टिस की जी, कल हम बात करेंगे टाइम कैलकुलेशन, ठीक है जी। अच्छा एक चीज पूछनी थी, A26 में सर एक छोटा सवाल और, एक मैं राकेश जी को पूछने दीजिए, पूरे A26 टेक्स्ट फॉर्म में है, उसको हम नंबर में ले जाके डेट फॉर्मेट में चेंज कर दीजिए, मान लीजिए कोई एक्सेल आता है और उसमें हमें पता नहीं चल रहा है, उसमें विजुअली पता चलता है क्या कि ये टेक्स्ट में है या नहीं है? नहीं पता चलता है, इसको आप एक बार डेट चेंज करके देख लीजिए ना, पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, ओके ओके राजेश जी, इसका फॉर्मेट चेंज करके देखिए, फॉर्मेट बदलता है, जैसे कि देखिए इस पे अगर मैं होम में जाता हूँ, हाँ, यहाँ से कोई और फॉर्मेट ले लेता हूँ, ठीक है, तो चेंज हो रहा है, करेक्ट, ये नहीं चेंज होगा, टेक्स्ट वाला चेंज नहीं होगा, यहाँ से मान लीजिए मैं कॉमे लगा दिया चाहे परसेंटेज लगा दिया, ठीक है वो मैनुअली चीज चेक करना होगा, ऐसा दिखता नहीं विजुअली, ठीक है, मिलते हैं कल सर। इसी डेट में
जो हमारा एक्सेल नॉर्मल बाय डिफॉल्ट कैलकुलेट करता है वो जनवरी से करता है या सर मार्च से? जनवरी से करता है, कैलेंडर ईयर लेके चलता है। ठीक है सर, ठीक है।